इधर भारत में हो रहा था G20 शिखर सम्मेलन, तभी मोदी की स्पेशल फ्लाइट क्यों रातों रात इंडोनेशिया के लिए भर दी उड़ान। अचानक G20 को बीच में छोड़कर जाकर्ता जाने की असली कहानी क्या है? मोदी गए जाकर्ता तो चीन अगल बगल क्यों झांकने पर मजबूर हो गया? बीजिंग में मच गई खलबली, शी जिनपिंग को भी खबर, मोदी अब की बार कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। पीएम मोदी करते हैं 18-18 घंटे काम, एक और सबूत आ गया, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं पीएम मोदी के पास। जिस वक्त पूरी दुनिया की नजर भारत पर थी, पूरी दुनिया दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर नजर गड़ाए बैठी थी, जिस वक्त पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष भारत आ रहे थे, उसी वक्त पीएम मोदी अचानक आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने इंडोनेशिया पहुंच गए। तो क्या पीएम मोदी के लिए G20 से ज्यादा जरूरी आसियान शिखर सम्मेलन था? सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। अगर आपको नहीं पता कि आसियान क्या होता है और ये हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आसियान समिट दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक विकास से जुड़े मसलों पर 2 साल में होने वाला शिखर सम्मेलन है। आसियान समूह में कुल 10 सदस्य देश होते हैं, जिनमें ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। भारत इस आसियान का सदस्य देश नहीं है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया कि वो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के निमंत्रण पर जाकर्ता जा रहे हैं, जहां वो आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन दोनों में 7 सितंबर को हिस्सा लेंगे। आसियान के वर्तमान अध्यक्ष इंडोनेशिया ने ऐसी व्यवस्था की है कि पीएम मोदी G20 के लिए जल्दी भारत वापस लौट सके। साउथ ईस्ट एशिया में चीन का दबदबा बढ़ता जा रहा है, दूसरे कमजोर मुल्कों को चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों से परेशान कर रहा, ऐसे में उन देशों के लिए भारत एक उम्मीद की तरह है। ऊपर से इंडो पैसिफिक के लिए भारत की नीति में आसियान का केंद्रीय स्थान है। भारत के प्रमुख आसियान सदस्यों विशेषकर सिंगापुर के साथ भी महत्वपूर्ण व्यापार और निवेश संबंध है। इससे पहले ऐसी अटकलें थी कि मोदी आसियान की बैठक में शामिल होने की जगह चीन के नेतृत्व के साथ बातचीत कर सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग जैसे G20 में भारत नहीं आ रहे, वैसे ही जाकर्ता में होने वाले आसियान में शामिल होने नहीं जा रहे। वहां भी चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री ली कियांग करेंगे। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सबसे मजबूत स्तंभ है। इंडो पैसिफिक में चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए भारत के लिए आसियान काफी जरूरी है, और आसियान के सभी देश चीन के विस्तारवाद को सिर्फ भारत ही रोक सकता है ऐसा मानते हैं। दक्षिण चीन सागर, जिस पर चीन अपना दावा करता है और हाल ही में उसने अपने स्टैंडर्ड मैप में जिसे अपना हिस्सा बताया था, ये सारे देश उसी रीजन में आते हैं। आसियान के सभी देश इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनोई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम का चीन के साथ सीमा को लेकर विवाद चलता रहता है। ऐसे में मोदी ही इन सारे देशों की उम्मीद है। आसियान के सभी देश चीन के साथ सीमा साझा करते हैं और दक्षिण चीन सागर में इन देशों का चीन के साथ गहरा विवाद है, लिहाजा ये सभी देश इंडो पैसिफिक रीजन में शांति, स्थिरता, समुद्री सुरक्षा और नेविगेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह आने जाने की स्वतंत्रता को बनाए रखने जैसे मुद्दों पर भारत के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने G20 से ऊपर आसियान समिट को रखा है। वैसे आप में से कितने लोग ऐसा मानते हैं कि चीन को राइट टाइम सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिसी ही कर सकती है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।